हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूविंग एनुअल टोटल की, यानी मैट हम कैसे निकालते हैं और उसका कुछ कस्टमाइज वर्जन डायरेक्ट क्वेरी के लिए, वो भी एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए एंड तक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। यहाँ पर ये है मेरी स्क्रीन और यहाँ पर हम देखते हैं जो जिस मॉडल पर हम बेसिकली वर्क करते हैं। तो क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मूविंग एनुअल टोटल निकालना है। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि मूविंग एनुअल टोटल क्या होता है। एक्चुअल में मैट कहिए या मूविंग एनुअल टोटल कहिए, ये एक स्पेसिफिक रेफरेंस हमारे पास, यानी एक पॉइंट है डेट का। अब उस डेटा पॉइंट से, यानी उस डेट से हमें 12 मंथ पीछे जाना है। तो जो 12 मंथ पीछे जाने का जो पीरियड है, उसे ही हम मूविंग एनुअल टोटल कहते हैं। मूविंग क्यों है, क्योंकि जैसे ही वो रेफरेंस डेट चेंज होगी, वो मूविंग जो पीरियड है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं हम बात करते हैं लास्ट 12 मंथ की, तो आज से लास्ट 12 मंथ और एक महीने बाद से लास्ट 12 मंथ, तो यानी कि वो मूविंग है। यानी कि जो लास्ट 12 मंथ है वो फिक्स नहीं है, जैसे जैसे वो रेफरेंस डेट चेंज होती जा रही है, वो मूविंग टोटल जो है शिफ्ट होता जा रहा है। तो एक सबसे बेस्ट फंक्शन है इस वर्क को करने के लिए, जो इसका नाम है डेट्स इन पीरियड। जैसे ये नाम है बिल्कुल इसका, ये भी हमारा जो एक रेफरेंस डेट चाहिए होती है इसको, और पूरे 1 ईयर को ये शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई और फंक्शनैलिटी भी हैं। हम सिर्फ 1 ईयर ही नहीं, हम 1 मंथ, 1 क्वार्टर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मूविंग एनुअल टोटल की, तो हम 1 ईयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपने मेजर पर और क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू मेजर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, और ये मेरा होने वाला है मैट कैलकुलेशन। सो सबसे पहले हमें पता ही है, हमें कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना ही होगा, क्योंकि इसी के पास कोई भी टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें यही यूज़ करना होता है। अब हमें यहाँ पर सेल्स अमाउंट लेना है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम सेल्स अमाउंट ले लेते हैं ये। अब यहाँ पर टेबल का फिल्टर लगाना है, जो कि किसी टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला से निकल के आएगा। तो अभी हमने बात की थी डेट्स इन पीरियड, ओके, डेट इन के, तो डेट इन पीरियड दिस वन। अब इसको चाहिए सबसे पहले डेट्स का कॉलम, यानी कि डेट टेबल का डेट कॉलम, जो कि ये है। अब इसे चाहिए स्टार्ट डेट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट रेफरेंस जहां से ये बैक करेगा। अब अगर हम अपने मॉडल की बात करें, तो अभी हमारा क्या कंडीशन है कि हम जो भी करंट फिल्टर कॉन्टेक्ट, यानी हमने अगर स्लाइसर लगाया हुआ है, तो स्लाइसर का जो लास्ट डेट है वहाँ से, या कोई कॉन्टेक्ट सिलेक्टेड है, डेट सिलेक्टेड है, तो उसके लास्ट से, यानी कि हम चाहते हैं कि जो भी फिल्टर है उसकी आखिरी डेट ली जाए। तो सिंपल हम यहाँ पर मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, कि मैक्स फंक्शन जो है वो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब आते हैं थर्ड पैरामीटर पर, जिसका नाम है नंबर ऑफ इंटरवल। अब क्यों, इसलिए हम मैट निकाल रहे हैं, तो हमें 12 मंथ पीछे जाना है। तो हम चाहे तो -12 मंथ कर सकते हैं, या -1 ईयर कर सकते हैं। तो अपने -1 हम यहाँ पर ईयर ले रहे हैं, ओके। ये हमारा डेट्स इन पीरियड क्लोज हो गया, और ये हो गया हमारा कैलकुलेट क्लोज। और अब हम इसे कर देते हैं ओके। अब हमारा निकल चुका है मैट कैलकुलेशन। अब ये हमेशा 12 ईयर पीछे जाएगा एग्जांपल के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डेट्स लेते हैं यहाँ पर, और इस डेट्स के अंदर ही हम मैट कैलकुलेशन को यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि सिंपली कैलकुलेशन हो गई है। बैटर ये रहेगा कि हम यहाँ पर डेट टेबल का सबसे पहले ईयर लेते हैं, और फिर इसमें हम मंथ डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा हराइकी हो सकती है इसकी। ओके, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर ये इसकी पीरियड जो जुड़ते जा रहे हैं। अगर हम इसमें नॉर्मल सेल्स डाल देते हैं,
सेल्स ये रहा। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखो किस तरह से ये जैसे YTD था हमारा सेम यहाँ पर वही वर्क कर रहा है, पर यहाँ पर ये दिखाई देगा हमारा करेक्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सेम YTD वाली कैलकुलेशन दिखाई देगा क्योंकि इससे ऊपर तो डेटा ही नहीं है ना हमारे पास। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लास्ट 12 मंथ का जो है वो एवरेज होगा, यानी यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ये इन सब का टोटल है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा समझने के लिए, अगर मैं मैट वापस खोलूँ देखिए, अगर मैं इसमें मैट वापस खोलता हूँ अब इसके अंदर वन एग्जाम्पल के लिए मंथ कर देता हूँ तो एक छोटा सा अमाउंट हम देख पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी अमाउंट सेम हो गए क्योंकि वो 1 मंथ बैक जा रहा है, तो यानी कि वो करंट मंथ ले रहा है तो सेम वो जो पीरियड है वही आ रहा है। अब इसको हम वापस कर देते हैं -2 मंथ, तो देखेंगे कि लास्ट के 2 मंथ का ये टोटल दिखाएगा, दिस एंड दिस का टोटल जो है ये है, इस तरह से इन दोनों का टोटल ये है, यानी कि हमारा बिल्कुल बखूबी ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब अगर मुझे मूविंग एनुअल टोटल को निकालते हैं क्योंकि अब हम मुझे एवरेज निकालना है, जैसे लास्ट 12 मंथ का एवरेज निकालना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, तो जिससे एवरेज ठीक से निकल नहीं पाता है, सेल्स से हमें अंदाजा नहीं हो पाता ठीक से। तो हम अगर हम इसको हम एवरेज में कन्वर्ट कर दें इसे, अब यानी कि हम इसको -12 कर देते हैं, अब ये हमारा हो गया लास्ट 12 मंथ का, यानी इस वक्त जो है हर डेट के आगे जो अमाउंट निकल रहा है वो लास्ट 12 मंथ का सम है। अब इसको ही अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, मंथली एवरेज जो कि लास्ट 12 मंथ के हिसाब से वैरी कर रहा है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं या हम सिंपल लास्ट में ही इक्वल टू 12 लगा देते हैं, अब ये डे मंथली क्या कह लीजिए या डेली कह लीजिए, मतलब ये लास्ट में 12 लास्ट 12 मंथ का ये एवरेज आउट है। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइन चार्ट में तो आप देखेंगे जो ये है ऑरेंज सेल्स अमाउंट है और ये हमारा मैट है, कि इतने ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं आ रहे जितना उतार चढ़ाव इसमें आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नीचे ही गिर रहा है और यहाँ पर इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इसलिए हम ये मैट कैलकुलेशन को निकालते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा कि मैट कैलकुलेशन हम डेट इन पीरियड के हेल्प से कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देख पाएंगे कि कैसे हम कस्टम फंक्शन बनाएंगे मैट के लिए, ठीक है। तो आई बटन पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि या उसका कस्टम फंक्शन क्या होगा, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज़।